शोभित, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम परीक्षा के लिए परीक्षा हॉल में जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने प्रश्नों के उत्तर भूलने लगते हैं। इसके कारण मैं काफ़ी तनाव में होता हूँ। इस चीज़ के लिए आप मेरी मदद करें। धन्यवाद शोभित। आपने सही पूछा है, ज़्यादातर विद्यार्थियों में के ये पल आता ही आता है, जब बैठते हैं और जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो थोड़ा समय तो ऐसा जाता ही जाता है। लेकिन मैं थोड़ा मजाकिया स्वर में कुछ बात बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि आपका बड़ा भाई, आपके पिताजी, घर में स्कूटर है और स्कूटर लेकर के कहीं जाना है और सुबह उठ करके वो किक मार रहे हैं लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है। हैं, ऐसा दृश्य देखा होगा आपने, देखा होगा कि सब गाड़ी वाले हैं। लेकिन आपने तब देखा होगा, एक बड़ा करामत है, वो पेरेंट्स या भाई जो भी है क्या करेगा, स्कूटर को इधर करेगा उधर करेगा, करता कि नहीं करता है, स्कूटर को हलाता है। अब दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी है क्या कि हिलाने से शुरू होता है स्कूटर? नहीं है। लेकिन उसको लगता है कि जरा ऐसा करूंगा तो वो खुद को तैयार करता है और फिर किक लगाता है, स्कूटर चल भी पड़ता है। ये एक दो मिनट जो ये करता है वो क्या है, साइंटिफिक है क्या? नहीं है। लेकिन करीब करीब सब लोग करते हैं, जिन्होंने भी स्कूटर चलाया है वो पक्का ये करते हैं। अगर नहीं चलता है तो स्कूटर को हिला देते हैं। साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन करते हैं और काम हो भी जाता है। आपने देखा होगा आजकल तो टीवी पर गेम्स का काफी कुछ कार्यक्रम रहते हैं तो बच्चे देखते भी हैं और अच्छी भी चीज है। लेकिन आपने देखा होगा टेनिस का खिलाड़ी होगा, कितना भी यानी ओलंपिक प्लेयर होगा, वो भी जब टेनिस के टेबल के पास आता है तो क्या करता है, सामने बॉल नहीं है लेकिन फिर भी यूं यूं करता रहता है, करता कि नहीं करता है? एक दो मिनट करता है। बाद में सामने वाला भी ऐसे ही करता है, बॉल नहीं है लेकिन दोनों एक जैसे खेल रहे ऐसा करते हैं वो। उसी प्रकार से आपने क्रिकेट में देखा होगा, कितना ही सक्सेस जिसका बैट्समैन का है वो भी जब पवेलियन से लेकर के पिच पर जाता है तो वहीं पर अपना बैट हिलाएगा, जैसे यू करेगा, जैसे अभी बॉल को मार रहा है ऐसा करेगा, करता ही नहीं करता है? वहां बॉल नहीं है, खेल नहीं है, अभी तो पिच पे है, करता है वो। जब वहां पहुंचता है तो वहां भी वो बैट को एडजस्ट करता है, थोड़ा एक दो ऐसे ट्रायल लेता है, बॉल तो अभी आया नहीं, मैच शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो करता है। क्यों? उसको कंफर्ट जोन मिल जाता है। बॉलर भी आपने देखा होगा, हाथ में बॉल नहीं है फिर भी वो दूर ऐसे ही बॉलिंग कर रहा है, ऐसे दौड़ता है, बॉल फेंकता है, बॉल है नहीं, कर रहा है। दो तीन पांच मिनट आपको हर बार गेम में दिखता होगा, ये क्या है? खुद को एक कंफर्ट जोन में लाने का हर एक ने ढूंढा हुआ अपना तरीका है। आपने भी क्वेश्चन पेपर आने के बाद बस पिताजी के स्कूटर को याद कर दीजिए, बस आप भी अच्छा सही इतना ऐसा है, ठीक है पेन ठीक है, थोड़ा ऐसे ही दो एक एक आध मिनट ऐसे ही निकाल दीजिए। बड़े तनाव में बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर ये कर लिया। दूसरी बात है कि आप बोझ लेकर के अगर एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो सारे प्रयोग बेकार जाते हैं। आत्मविश्वास लेकर के जाना है, जितना आत्मविश्वास भरा हुआ होगा आप बहुत सरल, और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके टीचर ने यह न समझाया हो कि भाई 10 सवालों का जवाब देना है, तुम्हारे पास 1.5 घंटा है, तो ऐसा करो सबसे सरल है उसको पहले से लेकर और उसका जवाब दे दो ताकि कम समय में काम, ऐसा ही कहते हैं ना, ऐसा ही सिखाते हैं ना, 1 2 3 4 कोई नहीं कहता है। छठे नंबर का सवाल ठीक लगता है तो पहले छठे का कर लो ताकि बाद में समय बच जाए। मैं भी आपसे कहूंगा कि हम
एक बार सरल चीज को हाथ लगाएंगे तब तक आप एकदम से उसके साथ एकमस्ट हो जाते हैं, एकस्टम हो जाते हैं, तो आप बड़ी सरलता से चीजों को चलाते हैं। और इसलिए आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। एग्जाम को जिंदगी में बोझ कभी बनने मत देना। अगर ये कर लिया तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको जो दो मिनट शुरू में जाती है गड़बड़ कर जाती है। दूसरा, अगर फोकस एक्टिविटी है तो कठिनाई बहुत कम रहती है। कभी कभी क्या होता है, मन भटकने लगता है, फिर लगता है कि ये क्या कर रहा है, अच्छा उसने पहला सवाल उठाया, छोड़ो अगल बगल में कौन करता है, आपको क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। एक मिनट में आपका गाड़ी चलना लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।